हिमाचल प्रदेश वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन ने प्रदेश से 15 सदस्यीय दल को विशाखापट्टनम रवाना किया है। दल को रवाना संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप शर्मा और प्रदेश महासचिव राजकुमार जम्बाल ने किया और उम्मीद जताई कि दल इस बार राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कोई न कोई पदक प्रदेश की झोली में डालेगा। बहुत बढ़िया, हमारे जो 13 सदस्यीय दल जो विशाखापट्टनम के लिए आज रवाना हो रहा है, ये सारे बच्चे बहुत बढ़िया हैं और उसमें पिछले साल हमारा स्कूल ने एक उसमें सिल्वर मेडल आया था, तो उससे हमें पूरी उम्मीद है। और साथ में हमारा विपिन कुमार और मनीष कुमारी जो है वो मेडल के खड़े इस पर प्रबल दावेदार हैं, तो बहुत बढ़िया हमारी जारी है। कब से चल रहा है ये टूर्नामेंट, कब तक चलेगा ये? 21 फरवरी से स्टार्ट होगा जी और 28 फरवरी तक चलेगा। विशाखापट्टनम दल जो है वो विशाखापट्टनम जा रहा है, इन बच्चों ने कैंप में बहुत बढ़िया प्रैक्टिस की है और हमें काफ़ी उम्मीद है कि ये आगे जाके हमारे इस बार हमारा वैसे भी सेशन बहुत बढ़िया रहा, खेलो इंडिया में हमारा मेडल रहा, लगभग जिस भी चैंपियनशिप में हम हिमाचल की टीम उभरी उसमें सभी में मेडल्स लेके आई हुई है। और हिमाचल वेट लिफ्टिंग जो एसोसिएशन और ये सारे राजकुमार सर मेरे भाई सभी की मदद से और इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की सपोर्ट से हमारी वेट लिफ्टिंग काफ़ी दिन रात रखी थी। हमारी वेट लिफ्टिंग टीम हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करने के लिए विशाखापट्टनम जो है वो जा रही है और इसमें कुल 13 सदस्य हैं और कोच और मैनेजर इनको डाल के 15 लोग जो है वो हिमाचल को रिप्रेजेंट करेंगे सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में। हमारा जो भी चैम्पियनशिप इस ईयर हुई है, जैसे खेलो इंडिया हुआ है, जूनियर नेशनल हुई है, वहाँ पे हमारे बच्चों ने मेडल जीते हैं। हमारे स्टेट के कल्याण सिंह ने खेलो इंडिया में मेडल जीता, जूनियर नेशनल में मेडल जीता और उसकी सिलेक्शन जो है वो इंडिया टीम की एक कैंप में हुई है जो कि पटियाला में चल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं वो सीनियर नेशनल में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मनीष कुमारी है और ये बच्चे हैं विपिन कुमार है और इनके सीनियर नेशनल में मेडल आने की पूरी पूरी उम्मीद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2-4 मेडल जो हैं वो जरूर हिमाचल को इस बार सीनियर नेशनल में मिलेंगे। वहीं भाग लेने जा रहे प्रतिभागियों में प्रतियोगिता के प्रति उत्साह देखने को मिला। उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि प्रदेश का नाम रोशन करके प्रदेश की झोली में पदक अवश्य डालेंगे। मेरा नाम सर महक शर्मा है और इस बार हम ऑल इंडिया सीनियर नेशनल के लिए मैं सिलेक्ट हुई हूँ। पिछली बार मेरा ऑल इंडिया में मेडल था और इस बार मैं अच्छा प्रयास करूँगी कि मेडल आए मेरा। और मैं अपने जिसे इंदौरा कॉलेज में प्रैक्टिस करती हूँ और कांगड़ा के लिए खेलूंगी और मैं प्रैक्टिस राजम्बार सर से करती हूँ। तैयारियाँ अच्छी हैं सर? तैयारी अच्छी चल रही है। मैं मनीष कुमारी 45 कैटेगरी में खेलती हूँ और सीनियर नेशनल खेलने जा रही हूँ आंध्र प्रदेश। हिमाचल की बेस्ट वेटलिफ्टर रह चुकी हूँ और अच्छी वेटलिफ्टिंग की तैयारी की। तैयारी किस प्रकार की है, कितना पसीना बहाया है? मैंने 160 उठाया है और खूब मेहनत की है। क्या उम्मीद करें हम मेडल की फाइट में जा रही हूँ? उम्मीद करें कि मेडल आएगा। हाँ यस प्लीज। मैं मनीषा शर्मा 71 कैटेगरी में खेलती हूँ और मैं अपने कांगड़ा से प्रैक्टिस करती हूँ। हिमाचल की तरफ से हम सीनियर नेशनल खेलने जा रहे हैं, जो कि हमारा टीचर है वो हमें बहुत अच्छी गाइड करते हैं और हमारा हर समय हमारा अच्छी तरह से वो ध्यान रखते हैं और हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए वो हमें हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। और हमारे जैसे कि जो हमारे टीचर हैं एसोसिएशन के, ये हमारा फुल सपोर्ट करते हैं। कैसे कंपटीशन है, क्योंकि अब नेशनल स्तर का कंपटीशन है? जहाँ तक तो हमने दिन रात प्रयास किया हुआ है कि अच्छा रहे हमारा और आगे दिखा। आपको बता दें कि 21 फरवरी से 28 फरवरी तक सीनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता विशाखापट्टनम में आयोजित की जाएगी। एच टुडे के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।